व्यूअर्स, वेलकम टू फूड कनेक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने तंदूरी प्लेटर बनाएंगे जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके लिए हमें हंग कर्ड लेना है। इस दही को हमने 7 से 8 घंटे तक एक सूती कपड़े में बांध लिया था। अब इसे 3 बाउल में बराबर क्वांटिटी में डिवाइड कर लेंगे। अब सबसे पहले हम मलाई तंदूरी प्लेटर बनाएंगे। इसके लिए हम दही को बीट करेंगे और फ्रेश क्रीम या जो आपके घर पे मलाई है उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं, उसे डालें और अच्छे से बीट करें। अब इसमें नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, कॉर्नफ्लावर और तेल ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें। ध्यान रहे हमारा बैटर इतना ही गाढ़ा होना चाहिए जिससे हमारी सभी सब्जियों और पनीर के टुकड़ों पर ये अच्छे से कोट होगा। अब हम इसमें पनीर के टुकड़े और सभी सब्जियां इसमें डालेंगे और हाथों से मिक्स करेंगे। इन्हें बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे करना है ताकि हमारी सब्जियां टूटे ना और ये अच्छे से कोट भी हो जाएं। देखिए सब अच्छे से कोट हो चुकी हैं। अब ग्रीन तंदूरी प्लेटर के लिए हम दही में हरी चटनी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कॉर्नफ्लावर, नमक डालेंगे और थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और एक स्मूथ बैटर बनाना है। हरे भरे तंदूरी प्लेटर के लिए हमारा बैटर तैयार है। इसमें आप सभी पनीर के टुकड़े, बॉइल्ड आलू, ब्लांच्ड बेबी कॉर्न, तीनों रंग की शिमला मिर्च, ब्लांच्ड कॉलीफ्लावर डालेंगे और हाथों से मिक्स करेंगे। इन सभी के ऊपर भी हमारा तैयार मिश्रण अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। देखिए अच्छे से कोट हो गया है। थोड़ा सा मैसी है पर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब स्पाइसी तंदूरी प्लेटर के लिए हम दही में जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, बेसन, तेल, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हमारा मिश्रण तैयार है। इसमें भी हम सभी पनीर के टुकड़े डालेंगे। ये हमारा बाउल थोड़ा छोटा है इसलिए हम धीरे धीरे एक एक चीज डालेंगे और अच्छे से कोट करेंगे। आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार सब्जियां ले भी सकते हैं, घटा बढ़ा भी सकते हैं। देखिए सभी सब्जियों पे अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हमारे तीनों मैरिनेशन तैयार हैं। इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए हमें फ्रिज में रख देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद में इन्हें हम फ्रिज से बाहर निकालेंगे और हमने यहाँ पे कुछ साटे स्टिक्स ली हैं, उन्हें पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगोया है ताकि जब हमें सेकें तो ये जले ना। अब हाँ, आप इन्हें उस साटे स्टिक में कलर स्कीम को ध्यान रखते हुए अपनी इच्छा अनुसार स्टिक्स में डालें। और इन्हें पिरोते जाएं।
ये हमारी साटे स्टिक अब तैयार है। अभी ग्रिल पैन में थोड़ा तेल डालें और जो हमने साटे स्टिक में सब्जियां और पनीर के टुकड़े लगाए थे उन्हें डाल दें और बाकी दूसरी सब्जियों को आप तवे पे ग्रिल होने रखें। अगर आपके पास ग्रिल तवा नहीं है तो हम साधारण तवा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हें पलटते जाएं और सभी सब्जियों पर ग्रिल मार्क्स आने तक इन्हें अच्छे से पकाएं। देखिए बेबी कॉर्न, बेबी पोटैटो, कैप्सिकम और गोभी हमारी पर अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ चुके हैं। इन्हें सब पलटें और सब तरफ से पकने दें। देखिए ये चारों तरफ से अच्छे से कुक हो चुके हैं और ग्रिल मार्क्स भी आ चुके हैं। अब आप इन्हें एक प्लेट में निकालें। यदि आपके पास साटे स्टिक नहीं है तो आप बिना स्टिक के भी इन्हें तवे पर रोस्ट कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। अब हरा भरा कबाब के प्लेटर के लिए हम इसे भी साटे स्टिक में असेंबल करेंगे। यदि हम कलर को ध्यान में रखते हुए इन्हें अपने साटे स्टिक में डालेंगे तो ये प्रेजेंटेशन में बहुत ही सुंदर लगता है। सो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह से हम पूरी साटे स्टिक को भर लेंगे। देखिए हमारी ये तैयार है। अब इसे भी ग्रिल पैन पर ग्रिल करेंगे। बाकी ये सब्जियों को हम तवे पर रखेंगे, ग्रिल मार्क्स आने तक पकाएंगे। थोड़ा सा तेल ड्रिजल करेंगे। अब इन्हें पलटेंगे और सभी तरफ से ग्रिल मार्क आने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, हेल्दी भी हैं क्योंकि इसमें हमने तेल का बहुत कम यूज किया है। इसे आप जरूर ट्राई करें। इस तरह से भी सब्जियां हमारी अच्छे से पक चुकी हैं और ग्रिल मार्क्स आ चुके हैं। इन्हें तवे से अब हटाएं और सभी सब्जियों को भी आप निकालें। अब मलाई पनीर के प्लेटर के लिए अब साटे स्टिक्स में उन्हें पिरोए। और पूरी साटे स्टिक को अच्छे से भर लें। देखिए तैयार है। अब ग्रिल पैन में थोड़ा तेल ड्रिजल करें और इन्हें भी ग्रिल मार्क आने तक पकाएं। बाकी सभी सब्जियों को भी हम ऐसे ही पकाएंगे। अब फ्रेंड्स हमने इसमें फ्रेश क्रीम डाला था, वह क्रीम अपना फैट छोड़ेगा और थोड़ा सा हमारा ये ग्रीसी हो जाएगा, इसलिए हमें इसमें और ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसे सब तरफ से कुक करें, सभी सब्जियों को पलटें, ग्रिल मार्क आने तक पकाएं।
देखिए फ्रेश क्रीम ने कितना अपना घी छोड़ा है। सभी सब्जियों को पलटें। अब हमारी ये तंदूर मलाई प्लेटर भी तैयार है। इन्हें गर्म तवे से हटाएं। देखिए हमारे तीनों रंग के प्लेटर अब तैयार हैं। अब इन्हें सर्व करें और खाएं। बचे हुए मैरिनेशन में मैंने उबले हुए आलू और पनीर को मैरिनेट किया और उन्हें एक ट्रे में असेंबल कर 10 मिनट के लिए ग्रिल किया। उन्हें पलट के 8 मिनट के दोबारा ग्रिल करा। इस तरह से मेरे तंदूरी आलू और पनीर तैयार हुए। यहाँ पर मैंने दो तरीके के से आपको तंदूरी प्लेटर बनाना सिखाया है। आप कोई भी तरीका अपना कर इन्हें बना सकती हैं।